सही सोच रहे हैं, हमें बस सपोर्ट चाहिए, हमें सत्य की खोज नहीं है, हमें तो बस इतना है हमारे जैसे 10 गधे और मिल जाए बस मैं घोड़ा। गधों का झुंड जा रहा हो 100 गधे तो वो अपने आप को जंगल का राजा ही समझता है, वो तो शेर सामने आने के बाद औकात पता लगती है ना, फिर वो भाग जाते हैं, लड़ते थोड़ी है। तो हमने भी हमारी सोच जमा कर रखी और उसी सोच को रिपीटेशन हुआ, जैसे ही सपोर्ट मिला बार बार रिपीट होने के कारण वो हमारी बन गई मान्यताएं, वो हमारी मान्यताएं बन गई। अब वो सकारात्मक मान्यताएं बनी या नकारात्मक, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव है, वो नकारात्मक मान्यता है, ये सही है, अंडा नॉनवेज है नकारात्मक मान्यता, अंडा सही है जो खाता है उसके लिए वो सकारात्मक है, ऐसी हमारी मान्यता है हर विषय को लेकर, व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, हर लक्ष्य को लेकर, जीवन के निर्वाह को लेकर, आर्थिक उन्नति को लेकर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी मान्यताएं बनाई, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारा एक मान्यता बन गई और हमारी जैसी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के मुताबिक ही हमारा दृष्टिकोण है, ये वैष्णव है या जैन है। जैन है, जैन को मैं पट्टी बांध देता हूं, मेरे घर में आता है, मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है तुम्हें खाना है, मैं एक सरप्राइज चीज तुम्हें खिलाता हूं, उसके हाथ में अंडा रख देता हूं और कहा खाओ थोड़ा हुआ अंडा। अब वो यहां ले जाएगा लेकिन अंडे की बदबू के कारण वो जैसे ही पट्टी खोलेगा उसके मुंह के पास अंडा था वो तुरंत वॉमिट करेगा, वो तुरंत। तो क्या अंडा खाने से वॉमिट होती है, ऐसा कोई साइंस है? जो अंडा रेगुलर खाता है वो यहां देखेगा तो पट्टी नहीं खोलेगा, सूंघकर ही 4-5 अंडे अंदर डाल देगा कि ये तो अच्छी बात हो गई। आपकी जैसी मान्यताएं हैं वैसा आपका बॉडी भी रिएक्ट करता है ना। जैन को उल्टी आ गई लेकिन अंडा अंडे से उल्टी नहीं आई, उसकी मान्यताओं के कारण उल्टी आई। हमारे साथ जो घटनाएं बनती है वो हमारी मान्यताओं के कारण बनती है, हमारी बीमारियां भी मान्यताएं हैं, मानसिकता भी मान्यताएं हैं। शंकर भगवान ने यह कहा था ऐसी आपकी मान्यताएं हैं, कृष्ण ने यह कहा ऐसी आपकी मान्यताएं हैं, कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है इसलिए ऐसा करना चाहिए। अब मैं उनको पूछूंगा हिंदू धर्म का कौन सा ग्रंथ तूने पढ़ लिया, खुद तो कुछ पढ़ेंगे नहीं क्योंकि रेडीमेड की आदत हो चुकी है, धर्म गुरु पर डाल देंगे। अब धर्म गुरु ने कहा, कृष्ण ने ये कहा, अब धर्म गुरु तो कृष्ण ने क्या कहा तुम थोड़ी चेक करने जा रहे हो, पहले यही हो रहा था। आज हमें शास्त्रों के प्रति, आज की पीढ़ी को शास्त्रों के प्रति या हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति इतनी दूरी क्यों हो गई, होने का कारण है? मैं बायोलॉजी टीचर हूं, मैं बायोलॉजी के बारे में गलत सलत पढ़ाता हूं, तुम कभी बायोलॉजी पढ़ते नहीं हो, बायोलॉजी का ज्ञान मुझसे ही प्राप्त करते हो, तुम मुझे एक्सपर्ट मानते हो, मैं बायोलॉजी का गुरु, बायोलॉजी गुरु। अब मैं बायोलॉजी के बारे में इतनी गलत सलत बातें करता हूं मेरे स्वार्थ को करने के लिए, लेकिन बायोलॉजी का नियमों का तुम पालन करते हो, तुम्हें पीड़ा होती है, तुम किससे नेगेटिव हुए हैं? मुझसे नहीं, किससे हुए? बायोलॉजी सब तुम्हें लगा अगर बायोलॉजी इतनी पीड़ा देती है तो बायोलॉजी बेकार है। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में दुरुपयोग करके ऐसी बातें धर्मगुरुओं ने, तथाकथित धर्मगुरुओं ने, तथाकथित साधु संतों ने, कहे जाने वाले सिर्फ पाखंडी साधु संतों ने ऐसी बातें करी, इसलिए हमें लगा इतनी ही पीड़ाएं, अगर धर्म के रास्ते पर चलने में इतनी ही पीड़ाएं हैं तो ये धर्म ना हो तो अच्छा है, इसलिए हम नया धर्म ढूंढने लगे, फ्लेक्सिबल धर्म है कि नहीं, इसलिए हम धार्मिक लोगों को अंधश्रद्धालु कहने लगे, बैकवर्ड कहने लगे, फॉरवर्डनेस आगे बढ़ने लगे। धर्म मतलब ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग या तो ईश्वर खुद, और ईश्वर के बारे में हम ऊपर से ये कहते हैं दुनिया में सबसे सहज सरल अगर है तो ईश्वर ही है, तो उस सहजता और सरलता, दयालु और कृपालु ईश्वर को पाने का रास्ता, खुदा को पाने का रास्ता कठिन कैसे हो सकता है? मैं अगर तुम्हें प्रेम करता हूं और मुझे पता लगा कि तुम मुझे मिलने आओगे तो मैं तो पूरे रास्ते पर फूल बिछाऊंगा ना, या फिर फूल के नीचे जानबूझकर कांटे बिछा दूंगा, किसको चेक करते हैं? कांटे हो गए तब भी मैं तोड़ तोड़ के साइड पर कर दूंगा। शबरी भगवान राम को प्रेम करती थी तो उसने प्रेम में वो सारे जो बेर थे वो तोड़ तोड़ के खाए थे कि मेरे राम को एक भी बेर कड़वा, तुरा या तीखा नहीं लगना चाहिए, मीठे बेर में दूं। प्रेमी तो ऐसा करता है ना, और हम कहते हैं भगवान हम सबको प्रेम करता है, तो भगवान को पाने का रास्ता भी भगवान साफ करके ही रखेगा ना कि शायद मेरा भक्त अगर इस रास्ते से चलकर आए तो वो एकदम सहजता और सरलता पूर्वक आए। धर्म तो ये है जो सहजता से हो, सरलता से हो, सुविधाजनक हो, वो धर्म है।
और अगर वो सुविधाजनक नहीं है तो वो किसने बना दिया? तथाकथित धर्मगुरुओं ने। पहले ऐसा ही